नमस्कार, इंडिया न्यूज के स्पोर्ट्स पेज पे आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो रन्यूद। रन्यूद में आज बात करेंगे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल की, और दूसरे दिन के खेल के खत्म होने के बाद भारतीय टीम के पास 80 रनों की बढ़त है। वहीं बांग्लादेश दूसरी बार इस टेस्ट मैच में बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतर चुका है। एक तरफ भारतीय बल्लेबाजों की अगर बात करें, टुकड़ों में अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला, और खास तौर से श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत के बीच में एक बड़ी साझेदारी ने भारतीय टीम को इस टेस्ट मैच में वापसी कराई। नहीं तो रेगुलर इंटरवल में जिस तरह से तहजुब इस्लाम ने भारतीय टॉप ऑर्डर को झकझोरा था, उससे इस बात का डर जरूर लगा था कि कहीं भारतीय बल्लेबाज या भारतीय बल्लेबाजी कोलैप्स ना हो जाए। अब भारतीय बल्लेबाजों को कितने नंबर हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स देंगे, इस पर बातचीत करेंगे। और दूसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद भारतीय टीम किस स्थिति में नजर आ रही है, क्या भारतीय टीम इस टेस्ट मैच को 3 दिन में खत्म कर पाएगी, इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी इस समय वेस्ट दिल्ली क्रिकेट अकेडमी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विराट कोहली के कोच, और साथ ही रितेंद्र सोढ़ी भी अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। राजकुमार सर, आशा और निराशा के बीच में झूलता रहा पूरी तरह से ये दूसरा दिन टेस्ट मैच का। एक तरफ हम सब उम्मीद लगा रहे थे कि देखिए, ऋषभ पंत शतक लगा दें, हम सब उम्मीद लगा रहे थे श्रेयस अय्यर शतक लगा दें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और भारतीय टीम 87 रनों की लीड के साथ अपनी पहली पारी खत्म कर पाई। बिल्कुल राजीव, दोनों को बहुत अच्छा स्टार्ट मिला, दोनों ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी भी की। आप भले ऋषभ पंत की बात करें या श्रेयस अय्यर की, एक समय काफी डिफिकल्ट सिचुएशन हो गई थी भारत की, लेकिन बहुत अच्छे से इन दोनों ने पारी को संभाला और शानदार बल्लेबाजी की। थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहे दोनों ही कि अपना 100 नहीं कंप्लीट कर पाए, लेकिन मैं फिर भी पूरा क्रेडिट देना चाहूंगा कि दोनों ने जिस तरह प्रेशर को झेला, क्योंकि उस समय काफी शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, स्पेशली ताजुल इस्लाम बहुत ही शानदार उन्होंने गेंदबाजी की और बिल्कुल बहुत एक्यूरेट थे, बिल्कुल हिलने का मौका नहीं दे रहे थे और कोई भी लूज डिलीवरीज उनकी साइड से नहीं आ रही थी, तो काफी शानदार उनका प्रदर्शन रहा। और मैं कहूंगा इन दोनों बल्लेबाजों ने भी काफी जिम्मेदारी दिखाई, या अनफॉर्चुनेट रहे कि अपना अपना 100 नहीं पूरा कर पाए। और दोनों की बल्लेबाजी या दोनों साझेदारी में राजकुमार सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था, और ये था कि जिस स्ट्राइक रेट के साथ दोनों ने बल्लेबाजी की है, मैं ऋषभ पंत का देख रहा हूँ, 106 गेंदों पे 93 रन बनाते हैं, श्रेयस अय्यर ने 106 गेंदों पे 87 रन की पारी खेली, यानी स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 90 के आसपास का है, जो ये दर्शाता है कि जिस तरह की पिच थी वहां पे आप अगर आप अपने शॉट्स खेलते हैं तो उसको फुल वैल्यू मिलेगी, नहीं तो फिर एक अच्छी गेंद आपका काम तमाम कर सकती है। यानी कि बहुत ज्यादा कौशल बल्लेबाजी की जरूरत नहीं थी इस टेस्ट मैच में, और शायद वही गलती पुजारा ने की, वही गलती विराट कर गए, के राहुल और शुभमन गिल, ये सारे टॉप ऑर्डर के चार बल्लेबाज कौशल बल्लेबाजी की वजह से आउट हुए। बिल्कुल राजीव, इन दोनों ने बड़ी पॉजिटिव इंटेंट के साथ बल्लेबाजी की, प्रेशर नहीं आने दिया, स्टेप आउट करके बड़े शॉट्स भी खेले, और शायद यही जरूरत थी, क्योंकि अगर आप देखें जिस तरह बाकी के बल्लेबाज कॉशियसली खेल रहे थे, आप विराट कोहली को ही देखें कि उन्होंने इतनी मेहनत से वो पारी बिल्ड कर रहे थे एंड सडनली ही गॉट आउट, तो वो जरूरत है ऐसी विकेटों पर जहां पर कि बॉल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो रहा है और सटीक गेंदबाजी हो रही थी, तो आपको थोड़े से चांसेस लेने पड़ेंगे, थोड़ा पॉजिटिव इंटेंट दिखाना होगा, जो कि श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत ने दिखाया और उसी का उनको फल भी मिला कि उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की और एक तरह से मैं कहूंगा भारतीय पारी को संभाला, नहीं तो एक समय तो लग रहा था कि भारत इससे भी कम स्कोर पर आउट हो सकता है। बिल्कुल, और 94 रन पे 4 विकेट गिर गए थे राजकुमार सर जब विराट आउट हुए, और बहुत ही संकट की स्थिति थी जहां से निकाल कर ले गए श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत। ऋषभ पंत एक बार फिर टेस्ट क्रिकेट में सक्सेसफुल हो रहे हैं। अब राजकुमार सर, तमाम जो दर्शक है व्यूवर्स ये जानना चाहते हैं, क्या एक बड़ी वजह, आप क्योंकि आप डेली टीम से जुड़े हैं, आपके अंडर में वो खेले भी इतने साल, क्या रीजन आप देखते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में वो T20 ODI जैसे स्टाइल में बैटिंग करके डोमिनेट कर लेते हैं, और एज अ मैच विनर अपनी जो पहचान है उसको और बड़ी करते जा रहे हैं रेड बॉल क्रिकेट में? देखिए राजीव, वो उसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं जैसी वो T20 में करते हैं या वनडे क्रिकेट में करते हैं, उसी तरह की वो बल्लेबाजी टेस्ट क्रिकेट में भी करते हैं, और टेस्ट क्रिकेट में क्योंकि फील्डिंग पोजीशंस डिफरेंट होती हैं, वहां पर दो स्लिप एक गली खड़ी हुई है या सिली पॉइंट शॉर्ट लेग खड़ा हुआ है, तो वो उनको बॉदर नहीं करता और वो अपनी पॉजिटिव इंटेंट के साथ बल्लेबाजी करते हैं और इसीलिए वो सक्सेसफुल भी होते हैं। आप टेस्ट मैचेस में बहुत कम देखेंगे कि लॉन्ग ऑन या डीप मिड विकेट खड़ा हो, और ये लिबर्टी देता है उनको अपने शॉट्स खेलने के लिए, और फिर जब वो सेट हो जाते हैं तो भले लॉन्ग ऑन खड़ा भी हो, लॉन्ग ऑफ खड़ा हो, मिड विकेट खड़ा हो, तो वो बॉदर नहीं करते हैं, क्योंकि फिर उन्हें अपनी स्ट्रोक्स पर भरोसा है कि वो क्लियर कर देंगे,
वो वैसा ही कुछ क्रिकेट उन्होंने आज भी खेली, और यही पॉजिटिव इंटेंट उनकी उनको रन बनवाती है। अनफॉर्चुनेटली वो वनडे क्रिकेट में और T20 में वो ऐसा इतनी सक्सेस उन्हें नहीं मिली है, क्योंकि वहां पर आप शुरू से देखें बड़ी डिफेंसिव फील्ड होती है, और कहीं ना कहीं जरा सी चूक आपको आपका विकेट आप खो देते हैं। तो वहां पर थोड़ा सा कॉशियस होकर खेलने की जरूरत है ऋषभ पंत व्हाइट बॉल क्रिकेट में, लेकिन रेड बॉल क्रिकेट उन्हें भली भांति पता है कि किस तरह रन बनाने हैं और किस तरह अटैक करना है गेंदबाजों को और किस तरह उन्हें प्रेशर में डालना है। तो वो बहुत अच्छे से उसमें कामयाब भी हुए हैं और बेहतरीन उन्होंने इनिंग्स खेली है भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में। श्रेयस अय्यर हर मैच के बाद राजकुमार सर कॉन्फिडेंस जीतते जा रहा है। एक और अच्छी पारी, और क्योंकि जिस तरह से शकीबुल और ताइजुल गेंदबाजी कर रहे थे, दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के खिलाफ राइट हैंडेड होते हुए भी बहुत ही सुकून भरी पारी उन्होंने खेली। कैसे आप देख रहे हैं एज अ बैट्समैन, क्या अपने आपको स्टैब्लिश कर रहे हैं वो नंबर 6 पे टेस्ट क्रिकेट में? बिल्कुल राजीव, अच्छा टेक्निक है उनके पास, अच्छा टेम्परामेंट भी है, और पॉजिटिव इंटेंट के साथ बल्लेबाजी करते हैं। स्टेप आउट करके भी उन्होंने कुछ बेहतरीन शॉट्स खेले जो देखकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप ऐसे स्पिनर्स को जो बहुत एक्यूरेट हो आप अपनी जगह से नहीं खेल सकते, क्योंकि जब तक आप पैरों का इस्तेमाल नहीं करेंगे वो आपको बहुत परेशान करेंगे। तो आपको उनको अपसेट करना होगा, पॉजिटिव इंटेंट के साथ उनके खिलाफ कुछ रिस्क, कैलकुलेटिव रिस्क भी लेने की जरूरत होती है। तो वही शायद कमी थी इधर बाकी बल्लेबाजों में, कि वो बहुत ज्यादा कॉशियसली खेलते रहे, वेट करते रहे कि हमें खराब बॉल मिलेगा तब हम उसको चौका मारेंगे। वहीं पर इन दोनों बल्लेबाजों ने वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की, उन्होंने अच्छी बॉलों को, गुड लेंथ बॉलों को भी बड़े शॉट्स मारे। थोड़ा सा रिस्क तो लेना ही पड़ता है ऐसे बॉलर्स को जो बहुत एक्यूरेट हो, और वही इन दोनों जी ने किया। तो बहुत शानदार बल्लेबाजी श्रेयस अय्यर की भी रही, और दिन ब दिन आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो अपने आप को स्टेब्लिश करते जा रहे हैं भारतीय मिडिल ऑर्डर में। राजकुमार सर, थोड़ी बात अगर स्पिन बॉलिंग पे करें, अब क्योंकि बींग अ लेफ्ट आर्म स्पिनर मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, अगर के राहुल जैसा बैट्समैन मेरे सामने हो और शुभमन गिल जैसा बैट्समैन हो, तो मैं दोनों बल्लेबाज के खिलाफ चांस लेना चाहूंगा। वो चाहे मैं अपनी आर्म बॉल का इस्तेमाल करूं या फ्लाइट का इस्तेमाल करूं या थोड़ा तेज डालूं। ताइजुल और शाकिब दोनों बड़े डिफरेंट तरीके के लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, बट ताइजुल ने जिस तरह से के राहुल को आउट किया, जिस तरह से आम बॉल उनका तेज आया और वो एक बार आ गया है फिर आ गया है, यानी वो अपने फुटवर्क को लेके बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, और शायद ताइजुल का हाथ नहीं पकड़ पा रहे कि वो अंडर कट कर रहे हैं या आप बॉल को स्पिन कर रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, एज अ बैट्समैन आपको पकड़ना पड़ेगा जो शायद मिस कर रहे हैं। और शुभमन गिल तो चलिए, एक विकेट का बॉल हमेशा कहते हैं आपको स्वीप मारना है, तो ऑफ स्टंप के बाहर को गेंद को आपको स्वीप मारे, जो शायद बेसिक गलती शुभमन गिल ने की। ये सर कैसे होगा कि अंडर कट कर रहा है तो साफ दिखता है आपको हाथ यहाँ से आ रहा है, देन वो बॉल अंदर ही आना है, और जब आप ऊपर से डालते हैं यानी आप बॉल को स्पिन कराने जा रहे हैं, साफ दिखा ताइजुल की बॉल पे जिस तरह से वो आउट हुए, कैसे आप एनालिसिस करेंगे ये भ्रम में जो के राहुल रह रहे हैं पिछले 4 पारियों से टेस्ट मैच में, ये तो उनकी जगह खतरे में डाल रहा है एक तरह से। बिल्कुल राजीव, आपको रिलीज तो देखना ही होगा। अगर आप अगर अच्छे स्पिनर के सामने खेल रहे हैं तो आपको लास्ट टाइम पे रिलीज देखना होगा कि वो अंडर कट कर रहा है, आर्मर डाल रहा है या कैरम बॉल डाल रहा है या वट एवर। तो अगर आप वहां से रीड नहीं करेंगे तो फिर पुराने जमाने में जैसे इंग्लिश बैट्समैन होते थे कि आप विकेट के बाद रीड करना चाहते थे तो वो आप नहीं पकड़ पाएंगे, और वही शायद केएल वो राहुल के साथ हो रहा है। कहते थे ना कि व्हेन यू आर इन डाउट बस तो उन्हें वही आता था, लेकिन यहाँ पे जरूरत है कि आपको रिलीज देखने की। लेकिन राजीव, स्वीप। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ साकिब की गेंदबाजी से। वो हाँ जिस जिस तरह वो गेंदबाजी करते हैं, उनका बॉल लगता है कि स्पिन होगा लेकिन फिर भी वो सीधा ही जाता है। बहुत ही ऑड हाँ बॉल उनका स्पिन होता है, तो वो एक अलग तरह के गेंदबाज हैं। और इस तरह के गेंदबाज अगर आपको याद हो, हमारी इंडियन क्रिकेट में सुभाष शर्मा जी हुआ करते थे मेरठ के, हाँ मेरठ वाले वो जी ऐसे हाँ सीधी सीधी बॉल डालते थे, लेकिन जैसे ही बैट्समैन स्टेप आउट करता था वो उनका बॉल स्पिन हो जाता था और आउट हो जाता था। तो ये एक मिस्ट्री थी जो हमेशा से बहुत बड़ी मिस्ट्री थी, और उनको समझ में नहीं आता था। आप वो तेज तेज डालते थे, सडनली अगर बैट्समैन ने स्टेप आउट किया तो बॉल स्पिन हो जाता था और वो स्टंप करा देते थे। तो यहाँ पर भी कुछ कभी कभी ऐसा देखने को मिल रहा है बांग्लादेशी कप्तान की तरफ से। लेकिन बहुत ही शानदार, दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर से 8 विकेट लिए राजकुमार सर, जो ये दर्शाता है कल जब आपने कहा कि हम स्पिन अच्छा खेलते हैं, हमने और सभा ने अपोज भी किया था, ये टैग हमें वापस लेने चाहिए कि हम स्पिन अच्छा खेलते हैं। एक तो हम सिर्फ 87 रन की लीड ले पाए, दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर्स ने 4 4 विकेट ले लिए,
और जिस तरह से आउट हुए हमारे बैट्समैन, सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग है कि आप आउट कैसे हो रहे हैं। अब चेतेश्वर पुजारा सर बैट के आगे आके डिफेंस, ये तो कोचिंग मैनुअल में भी नहीं है। बैट पैड साथ बिल्कुल होना चाहिए, अगर बैट आप पैड के आगे ला रहे हैं यानी आप चांस दे रहे हैं कि आप शॉर्ट लेग सिली पॉइंट पे पकड़े जाएं। जो बल्लेबाज 90 और शतक लगा के आ रहे हैं उसको अगर इस तरह की बॉल पे आउट हो रहे हैं तो ये टेक्निकल फॉल्ट लग रही है आपको या तहजुल का क्लास था जिसने इस तरह का स्पिन डाला जहां पे लगभग विराट चेतेश्वर सबको परेशान किया उसने। नहीं, तहजुल देखिए बहुत शानदार गेंदबाज है, इसमें कोई डाउट नहीं है राजीव। लेकिन हाँ, पुजारा से बेटर मुझे उम्मीद थी उस पर्टिकुलर बॉल पे कि वो आगे चले गए, बॉल को अपने पास नहीं आने दिया, वो वहां हाँ पर थोड़ा सा आगे चले गए और उसी का खामियाजा उन्होंने भुगता। और तब उस समय वो देख भी रहे थे कि बहुत ज्यादा स्पिन नहीं हो रहा है, बॉल अंदर ही आ रहा था, हाँ इसीलिए तहजुल ने शॉर्ट लेग लिया हुआ था, सिली पॉइंट नहीं था। अगर आपको याद हो उस समय सिली पॉइंट नहीं हाँ बैठा दो हुआ था। दो मैंने सर उन्होंने पोजीशन भी चेंज की, शॉर्ट लेग को थोड़ा उधर की तरफ लेने बिल्कुल की तरफ बोल हाँ, रहे तो जी। अंदर किया था कि उन्हें पता था कि क्योंकि अंदर ऐसे आता है पुजारा का बैट, और अक्सर वो हमने देखा है वो शॉर्ट लेग या इस तरफ आउट होते हैं। तो वहां पर तहजुल ने बड़ा अच्छे से सेटअप किया उनको और बहुत शानदार कैच भी उनका हुआ। अनफॉर्चुनेट थे पुजारा की, ब्रिलियंट कैच पकड़ा गया उनका, ऐसे कैचेस बहुत कम पकड़े जाते हैं जिस तरह का वो कैच उन्होंने उठाया। तो राजकुमार सर इसको बांग्लादेश की फाइट बैक के तौर पे देखते हैं आप, 87 रन की लीड सिर्फ लेने दिया उन्होंने हिंदुस्तान की टीम को, डेफिनेटली या राजीव आपको लग रहा बहुत है डिसाइसिव शानदार। लीड है? नहीं, मुझे उम्मीद थी कि भारत कम से कम 125 से 150 के बीच में जरूर लीड ले लेगा, जिस तरह की बल्लेबाजी एक समय पर ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर कर रहे थे। लेकिन बांग्लादेश ने बेहतरीन कमबैक किया है राजीव, और ये डिसाइसिव लीड तब हो सकती है अगर हम इस स्कोर में कम से कम 4 विकेट उनके आउट करें। तो सुबह का जो फर्स्ट जी वो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो लंच से पहले का खेल बहुत इम्पोर्टेंट है, और वहीं पर सेट होगा कि किस तरह आगे ये टेस्ट मैच जाएगा। राजकुमार सर, क्योंकि 80 रन है अब और बांग्लादेश के पास 10 विकेट है, अब डर इस बात का है कि चौथी पारी भारत को खेलना है। आपको लग रहा है अगर 250 रन के आसपास बांग्लादेश बनाती है, एक चैलेंजिंग स्कोर होगा इंडियन बैट्समैनों के लिए चौथी पारी में? क्योंकि अब एक बात तो तय है कि आपने कम रन बनाए तो आपको चौथी पारी बैटिंग करनी ही पड़ेगी, आपको टारगेट चेस करना ही पड़ेगा यहाँ। देखिए बिल्कुल राजीव, और वो काफी मुश्किल होने वाला है क्योंकि आप दोनों लेफ्ट आर्म के साथ साथ अगर मेहंदी को भी देखेंगे तो वो भी एक शानदार स्पिनर हैं। तो काफी इम्पोर्टेंट होगा कि भारत 200 से रन से कम में रेस्ट्रिक्ट करे बांग्लादेश को, कि 200 से ज्यादा रन अगर बनाने पड़े बांग्लादेश को तो बहुत मुश्किल होगी भारत तो आपको लग रहा है को सर चौथी कि पारी में चेस बांग्लादेश ने करने। जो जो जिस तरह का टेम्परामेंट दिखाया पहले टेस्ट मैच की दूसरी पारी में, दोनों ओपनर्स ने शतक लगा दिया था, फिर हम अब इस पारी में अगर हम दूसरे टेस्ट मैच की बात करें तो मोमिनुल हक ने बहुत अच्छी बैटिंग करी, बहुत पॉजिटिव इंटेंट के साथ वो खेले। बांग्लादेश के पास डेप्थ है बैटिंग में, क्या कुछ भारत की स्ट्रेटजी होनी चाहिए राजकुमार सर टेस्ट मैच के तीसरे दिन? एक तरफ हम सोच रहे थे कि 3 दिन में टेस्ट मैच जीत जाएंगे, सब कुछ उल्टा हो गया 2 दिन के खेल के बाद। ऐसा लग रहा है कि हम पहले जल्दी आउट कर लें ताकि अपने आप को सेव कर पाए, बनस्पत इसके कि हम 3 दिन में टेस्ट मैच जीते हैं। नहीं बिल्कुल राजीव, अभी इम्पोर्टेंट होगा कि बांग्लादेश को आप रेस्ट्रिक्ट करें, और मैंने जैसे कहा कि 200 से ऊपर नहीं लीड होनी चाहिए भारत के पास चेज करने के लिए, क्योंकि लास्ट डे पे और जिस तरह की स्पिन गेंदबाजी है बांग्लादेश के पास, तो बहुत आसान नहीं होगा भारत के लिए 200 रन से ऊपर चेज करना। भारत के पास बैटिंग है बिल्कुल, लेकिन तहजुल जिस तरह गेंदबाजी करते हैं, और दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर के साथ साथ मुझे तो ऑफ स्पिनर भी अच्छे लगते हैं मेहंदी की, वो भी जी काफी अच्छे गेंदबाज हैं, तो वहाँ काफी मुश्किलें हो सकती हैं। और यहाँ पर कल इम्पोर्टेंट होगा भारत की जल्द से जल्द टॉप ऑर्डर को उनका आउट करें, क्योंकि टॉप ऑर्डर काफी हैवी है बांग्लादेश का भी, और काफी कुछ रिलाई करते हैं वो अपने टॉप 4 पर। तो वहां पर इम्पोर्टेंट होगा कि भारत के मीडियम पेसर या तो सुबह जल्दी 1-2 विकेटें लें और फिर स्पिनर्स आकर अटैक करें बांग्लादेश के बल्लेबाजों पर। राजकुमार सर, आखिरी बस दो सवाल मेरा आपसे, एक तो ये कि के राहुल एज अ कैप्टन क्या बड़ा टेस्ट देने वाले टेस्ट मैच के तीसरे दिन ना सिर्फ आपको आउट करने जाना है बल्कि आपको एज अ कैप्टन ये भी देखना है कि रन फ्लो ना पड़ जाए अचानक, क्योंकि दोनों जो ओपनिंग बैट्समैन है दोनों लेफ्ट हैंडर्स हैं और उनको पता है कब अटैक करना है आपके ऊपर, बड़ा चैलेंज देखा है के राहुल के लिए एज अ कैप्टन आप? डेफिनेटली देखिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा, और ये बताएगा कि वो किस तरह के कप्तान हैं, या और इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा राजीव की ड्रेसिंग रूम में आज क्या स्ट्रेटेजी बनाई जाती है कि कल के हमें किस तरह जाना है। तो यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट रोल होगा के राहुल का, और साथ साथ राहुल द्रविड़ का भी, कि
कि वो क्या स्ट्रेटेजी बनाते हैं, किस तरह की एडवाइस करते हैं कि क्या क्या बॉलिंग चेंजेस होने हैं या किस तरह हमें इस पर्टिकुलर मैच में जाना है आगे। तो रश्मा सर आखिरी सवाल, कितना स्कोर आप देख पा रहे हैं बांग्लादेश यहाँ से बनाते, जो बैटिंग अभी तक आपने ऑब्जर्व की है, यानी 4 इनिंग्स और एक 5 इनिंग हो गई है, छठी इनिंग बांग्लादेश की चल रही है, कैसे आप देख रहे हैं अब तक ये, देखिए माफी राजीव, दीजिए मुझे चौथी इनिंग उम्मीद है है टेस्ट क्रिकेट की। जी जिस जिस तरह की भारतीय गेंदबाजी है और जिस तरह का टेम्परामेंट है बांग्लादेश के बल्लेबाजों का, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत बांग्लादेश को 200 रन तक आउट करेगा और भारत को जीतने के लिए 150 के आसपास रन बनाने चाहिए। यानी जीते या ये टेस्ट मैच भारतीय टीम हारे, ये टेस्ट मैच आपको लग रहा है 3 दिन में ही खत्म होने वाला है? नहीं राजीव, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि कल अगर टी के बाद तक खेलते हैं, टी तक अगर खेलती है बांग्लादेश, तो भी वो 150 रन की लीड ही बना पाएगी और फिर भारत को हाँ चौथे दिन जाना पड़ेगा लंच तक मैच जीतने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार सर, आपने टाइम निकाला, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत ढेर सारे बच्चे यहाँ पे पीछे आपके नेट्स में तैयार हो रहे हैं और आपके गाइडेंस का इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए।